बैतूल जिले सहित मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ पूर्व सांसद सुभाष आहूजा, नपा अध्यक्ष संतोष मालवीय, वरिष्ठ अनिल पटेल, शंकर चाडोकार, प्रबंधक सुरेखा राजू पंगडागरे की उपस्थिति में चिचोली आदिवासी मंगल भवन में कनेक्शन वितरण कार्यक्रम किया गया। महिलाओं को भोजन पकाने में धुएं से राहत दिलाने सरकार की मंशानुसार चिचोली इंडियन गैस ग्रामीण वितरण के द्वारा द्वितीय चरण 21 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन में गैस चूल्हा, गैस टंकी तथा गैस कनेक्शन के दस्तावेज अतिथियों द्वारा वितरण किए गए। संगीता बाई गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें धुएं से राहत दी। इस अवसर पर गणमान्य लोग और भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही। कनेक्शन मिलने से मेरे को फायदा हो गया है, क्योंकि मैं चूल्हे पे रोटी बनाती थी तो मेरे को चूल्हे से राहत हो गई है और मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होकर कनेक्शन मिल गया, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को गैस का सिलेंडर मिल गया। और मैं सब महिलाओं को आवेदन के लिए वो करूँगी कि आप लोग भी आवेदन प्रणाम दे में और गैस सिलेंडर से फायदा पावे। आज मंगल भवन में उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है कि हम घर घर जो गरीब महिलाएं हैं उनको धुएं से मुक्ति दे सके और उन तक गैस कनेक्शन पहुंचा सके। तो कितने महिलाओं को आप लोगों ने यहाँ पे वितरण किया? तो 21 महिलाओं का मतलब वितरण के लिए सिलेक्शन हुआ है और 21 महिलाएं अभी मतलब आई हुई है। तो आने वाले समय में और भी इसमें पंजीयन करना पड़ता होगा इसमें? जी, आधार जैसे कि महिलाओं का आधार लगता है और समग्र उनकी समग्र आईडी, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी और राशन कार्ड, ये सब की फोटो लगती है और उनकी दो फोटो लगती है और इस प्रकार महिलाओं को कनेक्शन जारी किया जाता है और इनका सबमिट कर दिए, कंप्यूटर में सबमिट करके ऊपर से जब पास होके आते हैं तब तो वितरण कर दिया जाता है। ऐसी हमारी योजना का मोटिव है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट।